हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अजय तिवारी, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये संधि का दूसरा लेक्चर है, संधि का पहला लेक्चर जिसमें मैंने स्वर संधि के बारे में पढ़ाया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, संधि का दूसरा पार्ट टू पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। फिर भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिकमेंड करूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग संधि का जो पहला पार्ट है उसको देख लीजिए, जिसे स्वर संधि कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते रहते हैं। जिस एग्जाम में हिंदी आती है ना, संधि स्वर संधि से एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले फिर भी मैं स्वर संधि के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, है ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। स्वर संधि, जो संधि होती है, संधि के तीन भाग होते हैं, या संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसी प्रकार जो स्वर संधि होती है वो पांच प्रकार की होती है ना। दीर्घ संधि, दीर्घ गुण वृद्धि एण अयाधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। वही ये बता चुका हूँ मैं पाँचों पार्ट, ठीक है। बस एक बेसिक ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ कि जिस भी शब्द में, कोई भी शब्द लिखा हो जिसमें अगर आपको दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, जिसमें बड़ा, बड़ी और बड़ो, इन में से किसी की भी मात्रा हो, जैसे मैंने बोला विद्यालय, तो बीच वाले शब्द में आ बड़ा आ रहा है ना। जैसे ये शब्द लिखा है यहाँ पे ग्रीस, ठीक है, तो ग्रीस में बड़ी आ रही है ना। इस प्रकार की कोई भी शब्द जिसमें आ, ई, उ आदि शब्द की, आदि स्वरों की मात्राएं आती हैं, उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि के लिए कोई भी एक मात्रा अगर आती है, जैसे मैं बोलूँ नरेश, देवेश, जिसमें बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा हो ए की या फिर ओ की, तो वहाँ कौन सी स्वर संधि होती है, गुण। दो मात्राएं जिस शब्द में आती है उसमें वृद्धि स्वर संधि होती है, जैसे सदैव। एण स्वर संधि में क्या होता है, या और वा आएगा बीच में, और उसके पहले कोई आधा शब्द आएगा, आधा अक्षर आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ इत्यादि, इत्यादि में या आया, उसके पहले क्या है, आधा अक्षर आया, तो यहाँ कौन सा होगा, एण स्वर संधि। और अयादि के लिए आए आओ, आए आओ, आए आए आओ आओ, ऐसे उच्चारण वाले शब्दों का होना जरूरी है। जैसे मैं बोलूँ नयन, शयन, गायन, ठीक है। इसका मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, तो आप सभी लोग देख सकते हो उसको अच्छे से, है ना। ये तो मैंने जस्ट बेसिक बता दिया कि अगर एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि होगी, किसी भी शब्द के बीच में दो मात्रा लगी हुई है, वृद्धि स्वर संधि होगी, आ, ई, उ, बड़ा, बड़ी और बड़ो, अगर इसकी मात्रा दिखती है बीच में तो दीर्घ, है ना। अगर या और वा आता है बीच में, उसके पहले कोई आधा अक्षर आता है, जैसे इत्यादि लिखा है ना, स्वागत लिखा है, वा के पहले आधा सा आ गया, है ना, तो इसमें एण स्वर संधि होती है। और आए आए अव आव आता है, तो जैसे शयन, नयन, गायन, गायक, तो इसमें अयाधि स्वर संधि होती है, ठीक है। तो स्वर संधि अच्छे से आप समझ गए होगे। अब हम पढ़ना है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं विसर्ग के बारे में बताता हूँ पहले से आपको, एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि जिस भी शब्द में आपको रा, ओ, सा, 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 तीनों सा, ओ और रा, इसकी मात्राएं मिलती हैं, तो समझ जाना वहाँ पर कौन सी संधि, विसर्ग संधि है। और जब भी उस संधि का अगर विच्छेद करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जाए, तो इन्हीं मात्राओं को हटा के, इन्हीं शब्दों को हटा के उसके पहले वाले शब्द में विसर्ग लगाया जाता है। जैसे मैं बोलूं किसी भी शब्द में आपको कितना देखना है, बस ओ की मात्रा, रा, सा, सा, सा। जैसे मैं बोलूं निर्जन, तो आपको क्या दिखा, रा दिखा, लेकिन मात्रा के रूप में। रा दो टाइप से आता है, एक तो मात्रा के रूप में आएगा, या फिर किसी शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो, जब रा मात्रा के रूप में होगा, तब कैसे देखो, निर्जन लिखा, तो मैंने कहा कि हमें रा से पता चल गया जो मात्रा चढ़ी है इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसी रा को हटा देंगे, जिससे हमें पता चला ये विसर्ग संधि है, उसी मात्रा को हटा के उसके पहले वाले अक्षर में विसर्ग लगा देते हैं, निर्जन, निःफलजन, ये रा हट गया। इसके बाद निर्विकल्प, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, रा हट के क्या हो जाएगा, निः प्लस विकल्प, ठीक है। मनोज, मनोज में क्या है, ओ से हमें मालूम पड़ा, ओ की मात्रा से मालूम पड़ा कि इसमें विसर्ग संधि है, तो हम क्या करेंगे, इस मात्रा को हटा के मनह प्लस जय कर देंगे। पयोध,
पया प्लस दा कर देंगे। इस प्रकार मैंने बोला तीनों सा, इसका मतलब है आधे सा, ये लगा है इसे बोलते हैं हलन, इसका मतलब होता है आधे सा। अगर तीनों सा में से कोई भी आधा सा आता है तो उसको हटा के उसके पहले वाले शब्द में बेशक लगा देते हैं। नमस्कार ये सा हट जाएगा, नमः प्लस कार, निष्काम निः प्लस काम, निश्चल निः प्लस चल, ये तीनों सा के एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया, आप बुक में देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनसे, ओ से लेके रा से लेके और सा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पांच रूल बताए मैंने, रा ओ सा सा सा, है ना, ये पांचों रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विसर्ग संधि के लिए। देखो इसमें ये वाला सा आया, इसको हटा के इसके पहले विसर्ग जोड़ दिया, इसमें ये सा आया इसके पहले मैंने विसर्ग जोड़ दिया, इसमें ये वाला सा आया है ना विसर्ग जोड़ दिया, दुशासन में ये सा आया तो मैंने दु प्लस शासन कर दिया, ठीक है। ये पांच रूल के बाद दो रूल और हैं, इसमें कहा गया है कि कभी कभी विसर्ग का लोप नहीं होता, तो उन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़े अलग शब्द हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कभी बोला कि अधा प्लस पतन, इसका ये संधि विच्छेद दे दिया, बोलेगा कौन सी संधि बनेगी इससे, तो वही बनती है अधा पतन, ये शब्द ही ऐसे लिखे जाते हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं इनको देख लेना, ठीक है। दुख कैसे लिखा जाता है, ऐसा कभी भी पूछे कि दुख का संधि विच्छेद तो ऐसा होगा, या संधि विच्छेद दे दिया पूछे संधि कैसी बनेगी तो ऐसी बनेगी, अधः पतन, रजह, कर्ण, मनः, कामना, पयः, पान और दुख, ठीक है। इसके बाद अगर रा मात्रा के रूप में नहीं है, रा कैसा है, रा डायरेक्ट लिखा हुआ है एक अक्षर के रूप में, तो हमें क्या करना है, उसके पहले वाली जो भी मात्रा है उसको छोटी मात्रा कर देनी है। सपोज करो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो हम क्या कर देंगे, छोटी की, और क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। नी रोग लिखा है तो नी प्लस रोग कर देंगे, ठीक है। नी रस लिखा है तो नी प्लस रस कर देंगे। तो क्या करना है, जब भी रा मात्रा के रूप में ना हो कि एक अक्षर के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले सपोज करो इसके पहले बड़ों की मात्रा है तो हम क्या कर देंगे, उसको छोटोगे, बड़ी की है तो क्या करेंगे, छोटी की, है ना, इस प्रकार छोटी मात्रा कर देते हो उसकी, ठीक है। अगर रा आ गया उसके पहले वाले और उसमें लगा देते हैं विसर्ग, ठीक है। इसका लॉजिक है बिल्कुल, बहुत बुक में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझाया गया है ना, तो उसको देख के लगता है कि बहुत टफ है, बल्कि संधियाँ बहुत सिंपल होती हैं, देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी संधि है, ठीक है। इसके बाद आती है व्यंजन संधि, इसको देख लीजिए। इसके लिए आपको कुछ वर्गीय व्यंजन होते हैं, व्यंजन के टाइप होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, है ना, इसी प्रकार वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं जिसे हम, वो होते हैं, वो 25 होते हैं 25, और वो वर्ग में होते हैं। जैसे लिख दिए मैंने यहाँ पे, है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो बस इसमें ये याद रखना पड़ता है कि फर्स्ट वर्ग के, फर्स्ट पहले वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब पहले वर्ग के अक्षर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तीसरे वर्ग में, और पहले वर्ग के अक्षर कभी कभी पांचवें वर्ग में कन्वर्ट होते हैं, तो पहले वर्ग के अक्षर कभी कभी पांचवें वर्ग में कन्वर्ट होते हैं। तो बस आपको याद रखना है, देखो पहले वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल रहे हैं और पहले वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल रहे हैं, मतलब कभी भी अगर तीसरे वर्ग के व्यंजन मिलते हैं, मतलब हमें अगर ए मिलता है या ए मिलता है, तो हम क्या करेंगे उसको, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम किसमें तोड़ देंगे, इसमें तोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा दिगंबर, तो गा कैसे वर्ग का होता है, थर्ड वर्ग का होता है, का खा गा, तो हम गा को कैसे तोड़ेंगे, गा को तोड़ेंगे दिग प्लस अंबर, है ना, क्योंकि गा किसमें टूटेगा, फर्स्ट वर्ग में। इससे हमें पता चलता है जिस भी शब्द में आपको तीसरे वर्ग के व्यंजन या पांचवें वर्ग के व्यंजन मिलते हैं, तो हम समझ जाएंगे उसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, तो गा मिल गया यहाँ पे, है ना, उन्नति ना मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस जिससे हमें पता चला उसकी जगह तीसरे की जगह पहला वर्ग रख देंगे, इसमें पांचवा आया पांचवी की जगह पहला रखेंगे, देखो उन्नति में क्या है, ना पांचवा आया तो उत प्लस नति, दिगंबर में गा गया, गा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, काम है, तो दिग प्लस अंबर, ठीक है। जब भी अनुनासिक कोई भी शब्द मिले, जैसे संगम लिखा है ना, ये लिखा अहंकार लिखा, तो ये भी किसमें आते हैं, ये आते हैं व्यंजन संधि में, सब प्लस गम, अहम प्लस कार, और कोई भी ऐसे शब्द जिसमें दो सेम अक्षर हों, जैसे दो ला गए, दो डा गए, है ना, एक आधा होगा अक्षर फिर इसके बाद उस वही अक्षर पूरा आएगा, तो वो भी किसमें आते हैं, व्यंजन संधि में, जैसे उल्लास, उत प्लस लास, उड्डयन, उत प्लस डयन, ठीक है। बस सा नहीं है ऐसे, इसमें दुशासन लिखा हुआ है तो मैंने बोला था सा 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 को छोड़कर अगर ये दो बार आते हैं तो अभी ये किसमें आएंगे, विसर्ग में आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है ना, वो किसमें आएगा, वो आता है व्यंजन संधि में।
व्यंजन संधि में सिर्फ आपको कितने याद रखने कि जिसमें अनुनासिक सॉरी अनुस्वर से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं, जैसे संगम लिखा, अहंकार लिखा, जहाँ एक अंक की बिंदी रखी होती है, वो सारे के शब्द किसमें आते हैं? व्यंजन संधि में। इसके बाद दो शब्द लिखे हुए हैं उल्लास उड्डयन, वो भी किसमें आता है? व्यंजन संधि में। ठीक है, इसके बाद तीसरे वर्ग के व्यंजन जो है ना ये वाले गाज दा, वो भी किसमें आता है? व्यंजन संधि में। उसको तोड़ के फर्स्ट वर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, विसर्ग में मैंने क्या बताया कि आपको सिर्फ इतना याद करना है रा ओ सा सा सा, पांच रूल ये हैं, एक रा का रूल और है, और यहाँ पे जो जिसमें विसर्ग लगा रहता है उन शब्दों के बारे में। तो पांच एक छह एक सात रूल देखना है बस आपको, देखना भी नहीं है, याद हो गए होंगे कि रा ओ सा 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 है ना, कहीं भी दिख जाए रा अगर मात्रा के रूप में तो उस मात्रा को हटा के उसके पहले वाले अक्षर में विसर्ग जोड़ देते हैं। ओ है जैसे मैंने ओ में क्या बताया कि ओ की मात्रा हटा देते हैं और जहां से हटाई वहीं पे विसर्ग जोड़ देते हैं और दोनों शब्दों को उस शब्द के दो टुकड़े कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला मनोबल, पहले मैंने बोला मनोबल में कौन सी संधि है, तो आप क्या बोलोगे मनोबल में संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, तो जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बोलेंगे? मन प्लस बल। मनोबल में क्या बोलेंगे? मन प्लस बल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं इसकी ओ की मात्रा हटाऊंगा और यहाँ पे चांद की बिंदी और बल लिख दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।